नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रही है किसान नेता राकेश टिकैत। जी हां, आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत जो हाल ही में पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल होते हुए दिखाई दिए, तो अब आपको बता दें कि एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर सीधे सीधे हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि MSP की मांग को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और अब यहाँ पर इस प्रदर्शन को लेकर किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ इस ऐलान को लेकर राकेश टिकैत कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी जरा सुनिए। देना था इनको रेजिडेंशियल, वो नहीं दिया। जो घर बने हुए थे, जो मकान बने हुए थे, उन मकानों को तोड़ने, 50-50 साल पुराने मकान, नोएडा बनने से पहले गांव थे यहाँ, आज उन गांव को तोड़ा जा रहा है। कह रहे कि ये जमीन हम लेंगे नोएडा में, ये लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हमारा इशू है, 10% खेत की जमीन का 10% दो और जो आबादी है उस आबादी को छोड़ा जाए। ये दो बड़े इशू हमारे हैं। आप ये यूपी सरकार भी कह रहे हैं, यूपी सरकार ने, यूपी सरकार और नोएडा अथॉरिटी, ये सब इसमें शामिल है। तो आप लोगों का ये प्रदर्शन अभी कब तक रहेगा? अभी अधिकारी आगे बात करेंगे उनसे। ये जो डिमांड है और ये नोएडा वालों ने कहा कि हम देंगे 10%, देंगे कब? वो दे दो। भ्रष्टाचार नंबर एक पे है यहाँ पे और जमीन छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र देश में चला हुआ है। गोरखपुर जहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जमीन ले रहे, वहाँ के किसानों का फोन आया, करीब 100 एकड़ जमीन अभी एक उसमें ले रहे हैं वे और मुआवजा बहुत मिनिमम रेट उसका मुआवजे का, किसान संतुष्ट नहीं है। मतलब पूरे देश भर में लाठियां बज रही जमीनों के नाम पे, जमीन छीनने का बड़ा षड्यंत्र ये सरकारें कर रही है। तो आंदोलन होंगे और हमने किसानों को कहा कि जमीन नहीं देनी, आंदोलन शुरू करो अपने सब जगह। अगर जमीन देंगे तो कितने परसेंट मुआवजे की आप लोग मांग कर रहे हैं? नहीं तो मांग तो है कि दो भूमि अधिग्रहण 2013 का जो एक्ट है भाई, दो क्यों नहीं देते, उस एक्ट में क्यों संशोधन कर रहे हो? लेकिन ये तो वो है कि जो जमीन ले लिया आज से 30-30 साल पहले, उनका मुआवजा नहीं दिया, उसका 10% जो इनको जमीन देनी थी प्लॉट वो नहीं दिए, वो मामले हैं अभी तो। और जो आबादी बनी हुई है, जो 50 साल से परिवार रह रहे, नोएडा बनने से पहले घर यहाँ पे बने हुए हैं, तो उसको कैसे तोड़ देंगे, ये सारे इशू हमारे हैं। उन्हें सारे मुद्दों पे बातचीत करने की भी वो करी और कहा के समाधान करेंगे, कुछ शासन को भेजने की बात करी है, कुछ कमेटी बना के निस्तारण करने की बात करी है। अब कितनों का निस्तारण होता है, क्या क्या चीज हो, बात तो बहुत मीठी करी, सेहत से भी मीठी बात करी। अब पता नहीं भाई, सेहत में कुछ अंदर कड़वी चीज तो नहीं है। कितनी मांगे मांगी गई? मान नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में दे दो, अलग अलग उसकी चीज और कमेटी बना दी, वो कमेटी बातचीत करती रहेगी और उसका समाधान करने की कोशिश करेगी। धरने की क्या रणनीति रहेगी आगे? आगे की रणनीति रहेगी अपना, अब तो लोग घर जा रहे हैं, आगे की अपना तैयारी करें और अपना बात करते रहे, समाधान करवाते रहे। समाधान नहीं निकलता तो क्या होगा? हाँ, धरना समाप्त हो जाएगा। समाधान अगर नहीं निकलता तो आगे नहीं निकलता तो जैसे सर्दी पड़ेगी तो आंदोलन गर्म होगा। फार्मूला है हमारे पास में भी, दवाई है हमारे पास में भी, उस दवाई का इस्तेमाल करेंगे। अभी धरना समाप्त कर दिया गया? हाँ, धरना समापन हो गया, अभी बातचीत के आधार पे समापन हुआ है। ठीक, देखा आपने और सुना भी किस तरह से राकेश टिकैत ने साफ तौर पर साफ लफ्जों में ये कहा कि भले ही आज किसान वापस लौट रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया गया तो सर्दी में माहौल गर्म होते देर नहीं लगेगी। तो यानी कि राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी एक आखिरी चुनौती दे दी है, एक चेतावनी दे दी है कि वादों को अगर समय रहते पूरा नहीं किया गया तो जो माहौल हमने साल 2020 में देखा था, दिल्ली सड़कों पर ही नहीं बल्कि देश भर में किसान आंदोलन को लेकर, जब 3 कृषि कानून को लेकर किसान सड़कों पर उतर गए थे और किस तरह से केंद्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था किसान नेता यहां पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर से उसी झलक को दिखाते हुए केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि जो वादे यहां पर किसानों से किए गए हैं आखिरकार उन्हें कब पूरा किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।